ऐसा मेरी YouTube फैमिली क्या हाल चाल है आप सबका उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे तो जो आज की मेरी वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाया है ब्राइडल उपटन और ये उपटन जो है आप अपने फेस के साथ साथ अपने हैंड एंड फीट अपने बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे अगर आप लोग इसको लगातार यूज़ करके देखेंगे और आई होप आप लोगों सब को सबको फायदा हो जैसे मुझे ही इससे बड़ा फायदा होता है और अभी भी इवन मैंने स्किन पे सिर्फ इसी रेमेडी को किया है जब मैंने रिकॉर्डिंग किया है और अभी फेस वॉश किया और अपना मॉइस्चराइजर लगाया और मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आप लोग इस उपटन को वीक में दो बार भी यूज कर सकते हैं और जिनकी अनकरीब शादी है वो इसको डेली भी यूज कर सकती है क्योंकि कोई इसमें केमिकल नहीं है कोई हार्श चीज नहीं है जो कि आपकी स्किन पर रिएक्ट करे लेकिन कोई भी होम रेमेडी करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग अपनी स्किन के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं पैच टेस्ट कर लिया करें और आप लोगों को पता है क्या चीज़ आप लोगों को सूट करेगी क्या चीज़ नहीं है बहुत से लोगों को एलोवेरा सूट करता है बहुत से को नहीं करता कुछ को हनी करता है कुछ को नहीं करता तो हर किसी की स्किन बाल सब कुछ डिफरेंट होता है तो आप लोग अपनी स्किन को सबसे बेहतर जानते हैं बाकी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आए जल्दी से चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दो तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बनाने का भी तरीका और फेस पे किस तरह से लगाना है उसका भी तरीका जल्दी से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आई होप आप लोगों को पसंद आए पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अच्छा जी तो ये ज़बरदस्त हटते बनाने के लिए आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए इसमें है हैबेस्कस फ्लावर है और रोज़ पेटल है और जैसमीन का फूल और ये इजीली आप लोगों को बाहर से मिल जाएंगे आजकल आप लोगों को पता है मैंने इवन अपने घर के बाहर से ही लिए हैं और अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते तो आप लोगों को इसके पाउडर भी अवेलेबल मिल जाएंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे पेज है और योर उसका लिंक दे दूंगी वहाँ से आपको रोज़ पेटल का भी पाउडर मिल जाएगा प्योर हिबिस्कस पाउडर भी मिल जाएगा प्योर ईजीली तो अगर आप लोगों को ये हो कि अब हम ये कहाँ ढूंढें तो आप सिंपली वो पाउडर्स ऑर्डर कर दें और बहुत अच्छे पाउडर्स होते हैं मस्ट आप लोग घर में रखें अच्छा जी आप लोगों ने देखा मैंने फ्रेश ये पाउडर सॉरी फ्लावर्स लेके इनको ड्राई कर लिया वॉश करके जब अच्छी तरह ड्राई हो गए तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरह क्योंकि एक नेचुरल चीज़ का मज़ा ही अपना होता है और नंबर टू uh, पे मैंने लिया है जी uh, ये जो हमें औरेंज दाल मैं नाम नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है औरेंज दाल आप लोगों को बताती हूँ उसको ग्राइंड करके मैंने अच्छी तरह से छान के इसका पाउडर ले लिया है ठीक है औरेंज वाली दाल आप लोगों ने लेनी है ठीक है उसका पाउडर ले लिया है उसके बाद मैंने लिया है बेसन अच्छा ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं ऑलमोस्ट एक से दो हफ़्तों का बना रही हूँ और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी इतनी है इसको आप लोग फ्रिज में रख लें उसके बाद मैंने हल्दी डाली है इसमें आप लोग देखें अगर आप लोग चाहें तो बेशक फ्रेश बना लें अगर आप लोग चाहें तो एक साथ बना के एक से दो हफ़्ते के लिए रख लें अपने फ्रिज में और ये है जी ये और योर की ही मैं मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है ऑयली स्किन वालों के लिए तो आपको पता है बहुत अच्छी लेकिन ये उपटन जो मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए आप लोग बिला झिझक इसको यूज़ करें और उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ ऑयल फेशियल ऑयल कोई भी आप लोग फेस ऑयल ले लें जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो मैंने काराबोनिका का लिया है ठीक है अच्छा ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ठीक है मिक्स होकर कुछ ये इस तरह से हो जाएगा और ये छोटे छोटे लम्पस बीच में होंगे इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्लावर है फ्रेश हमने बनाया है बिल्कुल इसको अच्छी तरह से बना के मिक्स कर लें और फिर आपने इसको क्या करना है ग्लास जार में जो है निकाल लेना है जैसे मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ एक से दो हफ्ते के लिए स्टोर कर लें और इस तरह से आप लोग निकाल लें ग्लास के जार में और इसको फिर आप लोग फ्रिज में रख दें जैसे आजकल की गर्मियाँ हैं और अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस वक्त बाल बांध लें रफ सी शर्ट पहन लें और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ जिस फेस वॉश किया है ठीक है और अब मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन का तरीका बताती हूँ अच्छा जी जिन्होंने वीक में दो बार इसको यूज़ करना है वो इस तरह से कर लें बेशक वीक में एक बार करें वीक में दो बार करें जैसे आप लोगों की आसानियाँ उस तरह से यूज़ करें सिंपली आप लोगों ने पाउडर लेना है बहुत आसान तरीका है ये देखें मैंने दो चम्मच पाउडर के लिए है और ये हाथों पर भी यूज़ होगा आपके पैरों पर पे भी यूज़ करें इवन आप लोग अपनी बॉडी पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नंबर टू पे मैंने लिया है और का एलोवेरा जेल ये बहुत बेस्ट एलोवेरा जेल है आप लोग भी लेके रख लें ले। इवन आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज़ करिएगा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बार में मैं दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इंस्टाग्राम पे पेज है रोज़ वाटर भी मैं और का ही यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनकी सारी तो ये आप लोग देखें जी अब मैं रोज़ वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ ठीक है बहुत आसान तरीके से हमने इसको बना लेना है जस्ट रोज़ वाटर और एलोवेरा के साथ आप लोगों की मर्ज़ी है आप लोगों को अगर फेस पे योगर्ट सूट करता है या मिल्क सूट करता है आप लोग उस तरह से भी बना सकते हैं जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है लेकिन मैंने थोड़ा सा लाइट वेट बनाया है रोज़ वाटर के साथ क्योंकि आजकल आप लोगों को पता गर्मी बहुत है तो अब मैंने इसको फेस पर अप्लाई कर रही हूँ आप लोग देखें पहले मैंने रोज़ वाटर लगाया हल्का सा ठीक है ताकि मेरी स्किन ताकि स्किन जो है थोड़ी सी वेट हो जाए और एप्लीकेशन जो है बहुत इजीली हो जाए तो ये आप लोग देखें अब आप लोगों पे डिपेंड करता है अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा आप लोग इस तरह थिक से बना लें अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी थोड़ा थिक और अगर बिल्कुल ड्राई स्किन है तो इसको थोड़ा सा आ, मतलब रनी फॉर्म में बना लें जैसी मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैंने ना बहुत ज़्यादा थिक बनाया ना बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में बनाया ठीक है मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई आप लोग टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए करें ये देखें फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं हाथों पे भी और इवन पैरों पे भी जैसे कि मैंने बताया ये कोई इसमें केमिकल नहीं है कोई हार्श चीज़ नहीं है जो आप लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है कि ये रैश ना कर दें या ये लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है आपको जो चीज़ सूट करती है आप लोग उसको लेके चलें जैसे मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें सूट कर शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत सूट करती हैं अच्छा जी अभी टेन मिनट्स बाद मैंने रोज वाटर का स्प्रे किया है अच्छे से इसको क्लेंस करें टू टू थ्री मिनट्स के लिए और फिर फेस को वॉश कर लें अच्छा मैं अभी पूरी तरह से फ़ेस को वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सोचा डबल फिर वॉश करने की मुझे क्या ज़रूरत है मैं आप लोगों को दूसरा भी तरीका बता देती हूँ कि जिन्होंने डेली यूज़ करना है यानी कि जिनकी शादियाँ करीब हैं और वह चाहते हैं हमें बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलें तो जिन्होंने इसको डेली यूज़ करना है वो किस तरह से यूज़ करें मैं आगे आप लोगों को वो भी बताती हूँ और ये जिसने वीक में एक से दो बार यूज़ करना है वो इस तरह से नॉर्मली पेस्ट बना के और इस तरह क्लेंजिंग करके यूज़ कर ले, इवन आप लोग जब नहाएँ तो अपनी बॉडी वॉश के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी ये मैंने फेस वॉश नहीं किया था बस हल्का सा वाइप कर लिया था अब मैं ले रही हूँ फेस वॉश हिमालय का ये फेस वॉश बहुत अच्छा है बहुत बहुत अच्छा है अच्छा जी ये देखें मैंने हाथ पे लिया और इस पर आपने थोड़ा सा ये उपटन पाउडर जो बनाया हुआ है ना ये ऐड कर देना है बस सिंपल सा बहुत सिंपल सा तरीका है जिन्होंने इसको डेली यूज़ करना है वो सुबह के टाइम इसको यूज़ करें रात में यूज़ कर लें जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है अच्छा जी अब मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके उसको अच्छा सा एक्टिवेट कर लिया ये आप लोग देखें बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा और इससे जैसे हम नॉर्मली मूध होते हैं सुबह या शाम में उस तरह से बस आप लोगों ने फेस वॉश कर लेना है बहुत सिंपल तरीका है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है और हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है इवन आप लोग ख़ुद भी यूज़ करें अपने भाइयों को अपने अबू को अपने, अपने हस्बैंड को भी यूज़ कराएं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये सब के लिए है और बहुत 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 इजी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है अच्छा जी अब जिन्होंने डेली यूज़ करना है वो इसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली फ़ेस वॉश के साथ फ़ेस वॉश करते हैं बस उस तरह से आप इसको अपने फेस वॉश में ऐड करें और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से फ़ेस पे लगाना है दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से क्लिनस करें और फ़ेस वॉश कर लें और आप लोगों को रिजल्ट्स ख़ुद से नज़र आएंगे तो ये मैं अभी फ़ेस वॉश करके आई हूँ मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है कोई फिल्टर नहीं है ये आप लोग देखें इतनी स्किन एकदम से नीट हो जाती है मैंने हाथों पे भी किया है हाथ भी देखें और मेरा फ़ेस भी देखें अभी पिछले दिनों आप लोगों को पता है मैं काफ़ी बीमार थी एंटीबायोटिक ने मेरे दो तीन पिंपल निकाल दिए थे तो अब उनके बिल्कुल लाइट लाइट से निशान रह गए हैं क्योंकि मैं इसको वीक में कोशिश करती हूँ एक दफ़ा ज़रूर कर लूँ तो ये देखें इतना अच्छा ग्लो आ जाता है स्किन इतनी नीट हो जाती है और डार्क स्पॉट्स के लिए भी बहुत अच्छा है मस्ट इसको ट्राई करिएगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इन शाला बहुत फ़ायदा भी होगा आप लोगों को इससे अच्छा जी तो देख ली आप लोगों ने मेरी वीडियो और कोई मैंने एक्स्ट्रा रिंग लाइट लगा के नहीं बनाई या कोई एक्स्ट्रा मतलब जिसको कहते हैं ना कोई फिल्टर वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया ताकि आप लोगों को एक रियल रियल किस्म का रिजल्ट नजर आए और आप लोग देख सकें कि और आप लोगों को वैसे भी पता है कि एक दफा के यूज से एकदम से आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा जब आप एटलीस्ट एक महीना यूज करेंगे आप लोगों को डिफरेंस फील होगा और बहुत इजी है ये घर में चीजें अवेलेबल होती हैं आप लोग लें और करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज